अब कहाँ छुपेंगे अमेरिका में जातिवाद करने वाले। अमेरिका में एंटी कास्ट बिल को मिली एक और कामयाबी। ये तस्वीरें जश्न की हैं। ये तस्वीरें जाति के खिलाफ विद्रोह की हैं। ये तस्वीरें अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत की राजधानी सैक्रामेंटो में असेंबली भवन के सामने की हैं। दरअसल अमेरिका से एक बड़ी खबर आई। अमेरिका में जातिवाद करने वालों पर लगाम लगाने की तैयारी अब अपने मुकम्मल अंजाम तक पहुंचने वाली है। अमेरिका में जाति के आधार पर भेदभाव को बैन करने वाला एंटी कास्ट बिल SB 403 एक और पड़ाव को पार कर गया। दरअसल ऐतिहासिक एंटी कास्ट बिल SB 403 अप्रोप्रिएशन हियरिंग में भी पास हो गया है और अब इस बिल पर असेंबली में वोटिंग होना बाकी है। जैसे ही ये खबर सामने आई, वहां मौजूद अंबेडकर वादियों का जोश हाई हो गया। SB 403 को कामयाब बनाने की कोशिश में जुटे संगठन इक्वेलिटी लैब ने ट्वीट किया, हमने कर दिखाया, ऐतिहासिक एंटीकास्ट बिल SB 403 अप्रोप्रिएशन हियरिंग में भी पास हो गया। अब ये बिल अपने अंतिम चरण यानी असेंबली में वोटिंग के लिए जाएगा। समानता के लिए संघर्ष में हम सब एक साथ मिलकर इतिहास रच रहे हैं। आधी रात में जब आप भारत में सो रहे थे, तब अमेरिका में दलित बहुजन लोग जाति के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे और इस लड़ाई में वो निर्णायक मोड़ पर आ पहुंचे हैं। इससे पहले जाति के आधार पर भेदभाव को बैन करने वाला एंटी कास्ट बिल SB 403 को कैलिफोर्निया सीनेट जुडिशरी कमेटी ने भी पास कर दिया था। तब इसे 8-0 यानी सर्वसम्मति से पास कर दिया गया था और अब यह बिल अप्रोप्रिएशन हियरिंग में भी पास हो गया। अफगानी मूल की सांसद आयशा वहाब के इस एंटी कास्ट बिल पर अब विधानसभा में वोटिंग होगी। इस बिल में जाति के आधार पर भेदभाव करने को बैन करने का प्रावधान है। अफगानी मूल की अमेरिकी सांसद आयशा वहाब ने अमेरिका में बसे दलित बहुजन अम्बेडकर वादियों के साथ मिलकर ये बिल राज्य की सीनेट में पेश किया है। इस एंटी कास्ट बिल SB 403 को अमेरिकी इतिहास में एक बड़ी घटना के तौर पर देखा जा रहा है। सबको साथ लेकर चलने वाले अमेरिकी ड्रीम में अब जाति के लिए कोई जगह नहीं होगी। एंटी कास्ट बिल SB 403 सीनेट में पास हो चुका है और अब इसे कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली में पेश होना है। असेंबली में भी वोटिंग होगी और अगर ये बिल वहां पास हो गया तो फिर कैलिफोर्निया के गवर्नर के पास साइन करने के लिए भेजा जाएगा और फिर कैलिफोर्निया अमेरिका का पहला राज्य बन जाएगा जहां जाति के आधार पर भेदभाव करना गैर कानूनी घोषित हो जाएगा। ऐसे में अगर कैलिफोर्निया में कोई जातिवाद करता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही ये बिल सामने आया, वैसे ही वहां बसे सवर्ण हिंदू इसे हिंदू धर्म पर हमला बताने लगे। पिछले दिनों एंटी कास्ट बिल को एंटी हिंदू बिल कहकर अमेरिका में बसे सवर्ण भारतीयों ने आयशा वहाब के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन भी किया था। अमेरिका में जाति के खिलाफ कानून ना बन जाए, इसलिए वहां बसे सवर्ण भारतीय एकजुट हो गए हैं। ये सवर्ण हिंदू कह रहे हैं कि अमेरिका में जाति के आधार पर भेदभाव को बैन करने वाला कानून पास नहीं होना चाहिए। आयशा वहाब को धमकियां तक दी गई लेकिन वो डटी रही और आखिरकार उन्हें पहली कामयाबी हासिल हुई और फिर एक के बाद ये बिल तमाम मुश्किलों को पार करता चला गया। इसके बाद से ही जातिवादी तिलमिलाए हुए हैं। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन जैसी सवर्णों की संस्था ने बिल पास होने का विरोध किया लेकिन उनके विरोध करने का कोई फायदा नहीं हुआ। अब अमेरिका जाति के खिलाफ मजबूती से खड़ा हो रहा है। 150 साल पहले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने अमेरिका में ब्लैक लोगों के आंदोलन का साथ दिया था। उन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी अमेरिका के अश्वेतों को समर्पित करते हुए उन लोगों को याद किया था जो दासता के खिलाफ लड़ाई में साथ खड़े थे। 150 साल बाद अमेरिका न्याय के खिलाफ इस लड़ाई में भारतीय लोगों के साथ खड़ा हो रहा है। यह अपने आप में ऐतिहासिक और ऊर्जा से भर देने वाला है। वंचित वर्गों की ये लड़ाई हमें भविष्य का रास्ता दिखाने का काम करेगी। अमेरिका में बसे तमाम अम्बेडकरवादी साथियों ने ये साबित कर दिया है कि वो अब जातिवाद नहीं सहेंगे और दुनिया भर में इसके खिलाफ मजबूती से आंदोलन करेंगे। अब अमेरिका में जातिवाद करने वाले कहां मुंह छुपाएंगे।
इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा काम पसंद है तो आप हमारी मदद भी जरूर करें। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।